इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती रतन देवी पांड्या, श्री राजेंद्र पूर्व विधायक, श्रीमती सुनीता पांड्या, श्री नरेश पांड्या, श्रीमती नीलम पांड्या, निखिल रिचा एवं अरिहंत पांड्या, रोहित साक्षी और अरहम पांड्या निवासी गोंदिया महाराष्ट्र, श्रीमती सुशीला देवी, श्री बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद, सौभाग्यवती श्रीमती नेहा, श्री कपिल बरजात्या मुंबई, सौभाग्यवती श्रीमती डॉली, श्री राहुल कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सौभाग्यवती श्रीमती पूर्वा, श्री सिद्धार्थ पारक नांदगांव नासिक, सौभाग्यवती श्रीमती डॉली, श्रीमती राहुल कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सौभाग्यवती श्रीमती श्री उमेद मलजी, श्रीमती हेमलता जैन कोलकाता मुंबई, पुत्र पुत्र वधु श्री संजीव कुमार जैन पहाड़िया, श्रीमती पिंकी जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती स्नेहा जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्र कुंवर प्रिंस। स्वर्गीय पिता श्री हनुमान प्रसाद जी सरावगी एवं स्वर्गीय माता श्री पाना देवी सरावगी चुरू राजस्थान की स्मृति में राधे श्याम सरावगी एवं सुमित्रा सरावगी अहमदाबाद, श्री नंद किशोर, सुशीला, सिद्धार्थ, प्रियंका, वंशिका एवं संवेग सरावगी सूरत, श्री संजय, प्रीति, शशांक एवं सिमरन सरावगी, श्री अजय, रमा, अमन एवं आकाश सरावगी अहमदाबाद, श्री विनय, मोना एवं कुणाल सरावगी मुंबई, श्री सुरेश, सुषमा, सौमिल, सलोनी, आदित्य एवं ऋतु बजाज कोलकाता। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये दुल सिता हमारा। भारत वर्ष का 75वां स्वतंत्रता दिवस, हम आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ आज इस जगह मना रहे हैं। हमारे लिए ये पावन पर्व है कि हमारे बीच विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज प्रसंग के सानिध्य में आज का अमृत महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। आज जिस जगह हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ सभी ने शिल्पों के शूरवीर स्वतंत्र सेनानियों ने संघर्ष करके अपना बलिदान दिया, जिसमें माजी पंचायत समिति सभापति संजय शर्मा के दादाजी शिव नारायण जी शर्मा, उनके साथी माधवराव ध्यानराव देशमुख। ओम नमः देव्यः, ओम नमः देव्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सर्वप्रथम हम ये समझे, आज 15 अगस्त है, किंतु प्रजासत्तात्मक दिन का अपना महत्व अलग है और ये 15 अगस्त का महत्व अलग है। जैसा कहा गया कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे, तो जब तक हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक उसको हम स्वतंत्र कैसे कहेंगे। तो वह जनवरी 26 तारीख को स्वतंत्रता मिलने के बाद 2.5 वर्ष लग गए थे, और उसमें क्या क्या हुआ, जो अग्रणी थे इस देश के स्वतंत्रता में और शासन के स्वतंत्रता के लिए क्या क्या काम किया। एक किताब पढ़ी थी, वह अनुज थे, मूल में वह इंग्लिश हो सकती है, आजादी आधी रात में, तिथियां बदलती रहती हैं, वार भी बदलता रहता है, वर्ष गांठ भी बदलती रहती है, किंतु उद्देश्य जो होता है उसके अनुसार कार्य
हुआ क्या नहीं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा जब हम विद्यालय जाते थे ये नारे लगाए जाते थे, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहना, और वह अधिकार मिला है क्या नहीं इसके बारे में सोचना बहुत कठिन है। हम सुविधा चाहते हैं, विधा और सुउपसर्ग, विधा और दुरुपसर्ग, इन दोनों शब्दों के बारे में समझे तो हमें दुविधा से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन दुविधा है क्या इसके बारे में हमें कोई बोध, कोई रास्ता आदि नहीं दिया जाता था। प्रतिदिन विहार होता था चातुर्मास के सिवा, कई स्थानों में हम गए, प्राय करके हमें विद्यालय का ही योगदान मिलता था। शाम को मुकाम करना है तो वह भी विद्यालय मिलता था, सुबह आहारचर्या करना है वो भी प्राय करके विद्यालय मिलते थे, कई बार महाविद्यालय भी मिले आदि। उसमें पंक्तियाँ लिखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में कंटक न हो, शूल न हो, उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। अरे ये तो हम लोगों के लिए उपसर्ग और परिचय है, जीतने के लिए संतों ने ऋषियों ने कहा है, और इसको जब तक आप भीतर से स्वीकार नहीं करोगे तो काय के संत हो, तुम काय के साधु हो। साधु तो प्रतिकूलता में ही अपना जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प रखता है। पुण्यहीनानां पापं किम आह्वानम अपेक्षते, क्या पुण्यहीन कोई है तो सत्ता में पाप है, और उस पाप के लिए हे पाप तुम आ जाओ कहने की बात ही नहीं, वह अपने आप ही आएगा क्योंकि हमारा पुण्य का उदय नहीं है। प्रतिकूलता में इसको हम याद करेंगे अवश्य ही जीवन में आलोक चारों तरफ से आने को आतुर होगा, छोटा सा भी टिमटिमाता हुआ दीपक है और बहुत समूह के रूप में रात अंधकार वहां पर आ रहा हो, खबरदार हमने यहां पर परिधि खींची है, इसके भीतर तुम आ नहीं सकते। जितनी हमारी कुवत है वहां तक हमारा राज्य रहेगा, साम्राज्य रहेगा। अंधकार के आने के यदि मानो रास्ते हम रखते हैं तो तीन काल में हमारा काम में नहीं आएगा आलोक। आलोक धाम कहने से थोड़ी धाम होता है, प्रकाश कहने से थोड़ी हमें
प्रकाश मिलता है, किंतु सूर्य के प्रकाश के लिए आह्वान देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आंखें खोलने की आवश्यकता है। महाराज हमारे यहाँ आप आते नहीं, आप उजाले उजाले में जाते हो, हमारे यहाँ बहुत अंधेरा है, आप कम से कम उजाला तो कर दो। बहुत अच्छी बात है, हम जब कभी आएंगे तो आएंगे, लेकिन अभी आप आंखें तो खोल लो। उस अंधकार को हटाने के लिए भी आंखों की आवश्यकता है, और प्रकाश को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, तो प्रकाश तो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। आत्मा का स्वभाव प्रकाश है, जिसके माध्यम से हम सबको देख सकते हैं। और ये भी कहते हैं, प्रकाश में रहते हुए देखो वहां से अंधेरा आना चाहता है, जो बैठा नहीं तो बंद कर दो दरवाजा, दूर से दिखता है वो अंधेरा, क्योंकि वह प्रविष्ट होगा तो निश्चित ही हमारे लिए व्यवधान उपस्थित करेगा। बच्चों को हमारा कहना है, विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। यदि विद्यार्थी है सुख के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आप लोग हड़ताल भी करते हैं, गुरु जी कहेंगे तो हम कर लेंगे, हड़ताल का अर्थ क्या होता है? ताल होता है आवाज ध्वनि, तो हाथ यदि एक हाथ पर जुड़ जाएगा तो हड़ताल हो जाएगी। और यदि हम हाथों को कहते हैं तुम हड़ताल नहीं कर सकते, तो इसकी वह क्षमता है जो हमें बाध्य कर दे। ये पांच छह पंक्तियां थी, उसके लेखक थोड़े से बाद में कहूं। अब क्या कहता है वो, मैं एक वैज्ञानिक हूं। क्या कहा? मैं एक वैज्ञानिक हूं और कई लोग मुझे बहुत चाहते हैं और वैज्ञानिक लोग भी चाहते हैं, क्योंकि सुनो आप, उनका नाम क्या है और वो किस प्रकार के धनी थे। वो कहते हैं, सुनो मैं एक वैज्ञानिक हूं लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। समझ में आ रहा है? दोबारा कहूं? नको नको पाज। सरल कितनी भाषा है इनकी, दृष्टिकोण कितना विशाल है। आज इन सबको समझाने वाले कौन है? हम जब तक विदेश नहीं जाएंगे अनुसंधान हमारा अधूरा रहेगा। यह बच्चों के लिए आप अभिभावक होकर के सिखाते रहते हो। जो कोई भी बच्चा जाता है उसको प्रेरित कर दिया जाता है, मतलब इंग्लिश जो पढ़ता है
वही वैज्ञानिक हो सकता है। तो हमारे पूर्व में जो हुए हैं संत, जो बड़े बड़े ग्रंथों के उल्लेख किए हैं, एक एक पंक्ति के ऊपर नहीं, एक एक शब्द के ऊपर, भावों के ऊपर शोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोगों को शोध के विषय में गुमराह कर रखा है। 400-500 पृष्ठ तब जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक शोध ग्रंथ ही क्या है? ये बहुत अविवेकपूर्ण धारणा है। शोध तो वह है बोध के उपरांत, चिंतन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो उपजता है, और किसी दूसरे के मस्तिष्क में वह विषय आ ही नहीं सकता, उसको आप लोग शोध बोलते हैं। प्रत्येक शब्द बोध प्रदान करता है, ऐसा नियम नहीं। प्रत्येक बोध शोध के रूप में ढलता है, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन शोध जब होता है तो वह फूल नहीं रहता है, किंतु वह फल के रूप में आपके सामने रहता है। फल में सुगंधि भी रहती है और रस भी रहता है, दोनों तरफ से आप उससे लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये पंक्ति लिखी, एक भी बच्चा वो बच नहीं सकता, इंग्लिश के बिना भी हम बहुत अच्छे शोध कर सकते हैं। आज भारत को क्या हुआ पता नहीं, जितना भूत आए बस डर गया। हुआ कर दिया, डर गए हो तो कड़े जाऊं ना का उस और मत जा। ये कौन कहता था? मां कहती थी वो गंगा है तिकड़ जाए चला है। हाँ, अभी ये वही रट रहा है, तिकड़ गंगा है तिकड़ जाए चला। हाँ, डूब जाओगे इसलिए जा। उसी समय पर बालक को कहना था ये, जब गंगा को वह अपने बाहुओं से पार कर रहा है, ये कहीं गंगा है? तैरना सीखो, गंगा में आनंद आएगा। ये क्या बनाए रखा आप लोगों ने? मैं शिक्षकों से निवेदन करता हूं, इनको क्या कहूं मैं? पथ में शूल न हो, जब साधु बन जाते हैं तब मालूम पड़ता नीचे खाली बगुन चला, खाली पाहुन चला। ये क्यों कहा? पथ तो वही है जिसमें कंटक होते हैं, कंटक होते हैं, उन कंटकों को, कंटकों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो ये कदम भी नहीं गए कांटा गड़ जाएगा। और कौन ये है? गधा है जो रास्ते में कांटे को डाल दिया। अरे ये कौन सा गधा है? आंखें होल करके आंखें से खोल नहीं रहा है और नीचे देख नहीं रहा। हाँ, विज्ञान को आप देखना चाहो तो बस ऊपर देखो, बिल्डिंग खड़ा हुआ है। हाँ, 10 मंजिल का है,
अब तो स्वर्ग जाने में थोड़ा सा रह गया है, जाओ। ये सब क्या हो रहा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं तब कहीं आकर के थोड़ी सी लकीर की बात आ जाती है, और लकीर में फके हो मत ऐसा भी बात आ जाती है। इसलिए भारत को अब चुप रहना चाहिए, शोर यहीं पर होगा। क्या पहले के लोग शोर नहीं करते थे? ये सब गलत है। अनुसंधान में बड़े बड़े विश्वविद्यालय काम करते थे, और विश्व के देश भिन्न भिन्न देश भारत में पढ़ने के लिए और शोध करने के लिए आते थे। शोध करने वाले के पास बुद्धि चाहिए, पढ़ने वालों के लिए चश्मा चाहिए, फिर बाद में पढ़ो, लेकिन शोध करने के लिए चश्मा की कोई आवश्यकता नहीं। एक पंक्ति आती है, हजारों व्यक्ति उसको पुनः पुनः चिंतन का विषय बना देते, तो आनंद विभोर हो जाता है। पांचवें शूल होना चाहिए, ते परीक्षा की घड़ी है। और यदि परीक्षा में कठिनाई नहीं हो तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन से ऐसे विद्यार्थी है प्रश्न पत्रिका को पढ़ते ही सिर में दर्द नहीं होता? बोलो, ये किसने प्रश्न पत्रिका निकाली? हर एक प्रश्न देखता हूं, ऊपर से नीचे आते हूं तो दोनों हाथ से करना पड़ता। अब तीसरे क्या करूं, दीवार से टकरा। बुद्धि तो भीतर है ही, इसीलिए हमें शोध के बारे में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन अवश्य करना चाहिए। पंक्तियां जो शोध की होती है महीनों के बाद दिमाग में आ जाती है, बार बार उसके बारे में जब चिंतन करते हैं, रसरी आवत जावत है सिल पर हुई निशान, रस्सी आती जाए चली जाती जाए, सिलाओं के ऊपर निशान छोड़ देती है। आप इसी प्रकार आज संकलन किया जाता है और उसको शोध ये शब्द कहा जाता है। ये पहले दिखवाते हैं, ये एक वाक्य मैं पहले देखता हूं उसको, ये वाक्य लिखा गया क्या नहीं, और रटा हुआ वाक्य है ये, मैं प्रमाणित करता हूं करती हूं कि यह कृति मेरे अपना चिंतन के स्रोत से निकला। बरोबर आए का है वाक्य, बताओ एकदम बरोबर है। अब एकदम कहने की क्या आवश्यकता, बरोबर कहा, ये यद्यम जो शब्द आपका विशेषण लगा हुआ इसीलिए है। काले में दाल होना चाहिए तो मजा है, आनंद है, ये क्या मतलब होता? इसलिए सुगंधि बाद में फूटती है, फूल में जो सुगंधि रहती है वो अलग, और फल में जो सुगंधि रहती है वह पेट भी भरा देती है, तृप्ति का अनुभव होता है। इसलिए भारत को मैं कहता हूं, आज से यह संकल्प ले ले, विदेशों में विदेशी भाषा में ही मात्र अनुसंधान होता है, ये बिल्कुल अविवेकपूर्ण वाक्य है।
मैं इसको स्वीकार नहीं करना चाहता। हमने कई व्यक्तियों के सामने रखा, ये बताओ निर्देशक की क्या आवश्यकता है, ये क्यों रखा गया, ये विदेश की चाल है, ये स्वयं न चिंतन करे। जैसे वो निर्देशन देता है उसके अनुसार ही हाउ हाउ कहते जा, हो मराठी में क्या बनता था, हो महाराज हो ये भी कहा जाता है, मैं हो और हो को एक ही मान करके चलता था। हाँ, इसके स्पष्ट हो जाता है कि हम समझदार नहीं है, मान लेते हैं हम समझदार हैं, इसलिए आधी रात में इसने तो गजब कर दिया। अच्छे अच्छे नेता लोग भी इसमें डूब जाते हैं, वस्तुतः हमें वह बोध अभी प्राप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता की गहराई में उतरना आवश्यक था, लेकिन तटों के ऊपर बैठ करके ही वो कव्वे की भांति फड़फड़ा रहे हैं, इसका नाम तैरना नहीं होता। तैरने के लिए उस पानी में जाना पड़ता है, और शोध करने के लिए पानी में डुबकी लगाना पड़ता है, और डुबकी लगाते हैं तो पेट में हवा भरनी होती है, और वहाँ पर जल्दी जल्दी ऊपर आने की इच्छा होती है, शोध कर लिया। इसलिए इंग्लिश भाषा में ही शोध ग्रंथ लिखा जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है, और इंग्लिश पढ़ने से ही वैज्ञानिक होता है ये और एकदम बरोबर नहीं है। अब समझ में आ गया मराठी में एकदम काय मनते, एकदम खुश थी, सत्य नहीं, सत्य सत्य कहने से सत्य नहीं होता, और असत्य को 50 बार बोलने से सत्य नहीं होता। ध्यान रखो, सत्य तो सत्य होता, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, और आज सत्य को सिद्ध करने में लगे हैं, इसलिए 75 वर्ष चले गए हैं। अब एक दिन तो जाना है ही, ये पक्का है। बच्चों को कम से वैज्ञानिक बनाना चाहते हो तो इंग्लिश मत पढ़ाओ, वैज्ञानिक स्वयं कह रहा। और पूछना चाहता हूँ, क्या सभी विदेशी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं? ये गलत धारणा है आप लोग। रूस चीन जर्मनी जापान और भी कई देश हैं जो कभी भी इंग्लिश में नहीं बोलते, वो बुक लिखते भी नहीं पढ़ते भी नहीं, उनका ये नियम है। जब वो देश परतंत्र थे तो परतंत्र में तो दूसरी भाषा चलती होगी, उसका काम करते थे वो, बीज को सुरक्षित रख रखा था, और जो ही उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई त्यों ही वहां के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, हाँ अब हमें अपनी भाषा का ही उपयोग करना है। तो कई मंत्रियों ने कहा करना है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, शिरसा अवधार्यते इति शिरोधार्य, ऐसे नहीं मुख से कह दे, नहीं मैं हूं कहता हूं
लेकिन मुख से नहीं, सिर भी मेरा हूँ कह रहा है, नतमस्तक हो जाओ। कुछ मंत्रियों ने कहा इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। वे बच्चों सुनो, आपके लिए योग्य याद रखने योग्य है ये। हाँ सुनो, हाँ तो सुनो क्या कहा। कोई बात नहीं, कितना समय चाहिए हमें, कम से कम भी 7-8 वर्ष चाहिए, तब हम इसके योग्य हो जाएंगे। 7-8 वर्ष में योग्य तो आप हो जाओगे, आज ही इसी रात से अपनी ही भाषा में आप बोलना लिखना और सब कुछ करना। कोई बात नहीं, 5-6 साल हम दे देंगे आपको, लेकिन तब तक के लिए हम चुप बैठेंगे नहीं। अब बताओ, सभी राष्ट्रों ने इसी प्रकार किया, इज़राइल भी है जहां पर हिब्रू भाषा चलती है। सबसे ज्यादा कमजोर भाषा, सबसे ज्यादा कम कोश उस भाषा में है, लेकिन आपको विस्मय होगा कि उसने कह दिया नहीं, इसी भाषा में विज्ञान का अनुवाद होगा, इसी भाषा में चिकित्सा का अनुवाद होगा, इसी भाषा में प्रबंधन का प्रयोग होगा, और कौन सा, इसी भाषा में न्याय भी परिवर्तित हो जाएगा। और आप इन चारों विषयों को उसी भाषा में पढ़ते हैं, उसी भाषा में सब विज्ञापन आदि सब देते हैं, किंतु वो इंग्लिश को छुए नहीं। भारत पागल है। जब वो इस प्रकार नहीं कर रहे हैं और उन्नत देश बने हुए हैं, भारत के लिए उनका सहयोग मिलता है। किस प्रकार का सहयोग, ये नहीं कहना चाहता हूं मैं, जो आप चाहते हैं या करते हैं या कहते हैं ये सब आप लोगों के दोषपूर्ण है। सबसे ज्यादा भारत में संस्कृत में कोश है, सबसे ज्यादा समृद्ध भाषा संस्कृत है। दूसरे क्रम में यदि आती है भाषा तो वह हिंदी है। इतने भरमार शब्दों की राशि है, समुद्र है, और आप अनुवाद करने के क्षेत्र में गैर साबित हो गए हैं। महाराज कौन अनुवाद करेगा, जो विदेश जाएगा वो तो नहीं कर सकेगा, किंतु यहां रहेगा, संकल्प लेगा, पहले बच्चों को चोटी बोलते हैं ना, काय मंटा चला, सीढ़ी सीढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए, वहीं से लाइट आती। हाँ, वहां पर थोड़े से बाल खींच करके देख लो, नानी याद आ जाएगी। केस रोज कैसे करोगे आप, इसीलिए वह दृश्य देखो। तो उनका कहना यह है, न्याय को भी हम इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। अरे हिंदी में हम न्याय के ग्रंथ संविधान पुस्तिका लिख सकते हैं, ये तो सब नकल है। आप कह रहे थे स्वतंत्रता मिल गई, काय की मिल गई, आप अभी भी संविधान पुस्तिका के अपेक्षा से दूसरे के बिंदु पर ही निर्णय दे रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए आज 15 अगस्त है और 2.5 वर्ष लग गया तो कोई बात नहीं सत्ता हाथ में आने के लिए। इसी प्रकार आप संकल्प ले लो,
अपनी भाषा में आप घोषणा कर सकते हैं और आबाल वृद्ध सबके लिए वो उपलब्ध करा सकते हो। यह आपका न्याय हुआ है, यहाँ पर इसकी आपकी गलती है, तो सब अच्छा और वो ताली बजाएंगे। कम से कम हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा ये न्याय ठीक है और यह इसमें हमारी गलती है, क्योंकि अभी 70-75 वर्ष में एक भी जो केस कर रखा है जा रहे हैं वकीलों के ऊपर आधारित है। वकील कभी अन्यथा न दे, वो पैसे लेते रहते हैं। तारीख वर तारीख। क्या ये क्या है? तारीख देने की कोई आवश्यकता नहीं, न्याय के लिए तारीख की और संवत्सर वर्ष की आवश्यकता नहीं है। पंचायत बेवती थी, बस पर्याप्त था, चुटकी बजाते बजाते न्याय होता था। यह है न्याय, यदि मान लो 100 साल के बाद मिलते हैं तो वह न्याय भी अन्याय के रूप में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि इतने देर नहीं लगाना चाहिए। और ज्यादा तो नहीं कहूंगा, किंतु उसमें भी आज तो पंचम जात तो समाप्त हो गया। सुबह तो हमने कहा ही दिया था, उसमें से कोई आवाज ही नहीं निकलती, और थोड़ी सी आग लग जाए तो साफ सोना चांदी आग लगा दो तो उसमें और चमक आ जाएगी। वो कहाँ चले गए पता नहीं, शासक को ही मालूम है, आप लोगों को नहीं, नागरिकों को ये बताने की बात ही नहीं होती। एक अरब भी आपकी राशि है बैंक में रखा है, सुन रहे हो ना? तो क्या होता? सुनो, उसका आज यदि मान लो बैंक फेल हो जाए, किसी प्रकार से वह दूसरे बैंक में विलीन हो जाए, तो आपको केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे, अरब नहीं मिलेंगे। पहले आपके द्वारा लिखित रूप में उन्होंने हस्ताक्षर ले चुके हैं, यदि तैयार है तो बैंकिंग का मकाम कर लो, नहीं तो विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर, और एक प्रकार से नागरिक व्यवस्था आप बना सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जैसे लगान पर खेत दी जाती है कि एक किसान के पास 50 एकड़ है, इतने कर नहीं सकता वो, तो 20 एकड़ वो दूसरे के लिए देता लगान में, और उसमें से 2-3 एकड़ वो उनके लिए रखा जाता, बाकी अपने पास आ जाते, और वह व्यक्ति अपना हो जाता। ये हम दूर अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं सबसे, ये गलत है। इसलिए आप लोग यह समझो, वैज्ञानिक बन सकते हो, बनना चाहिए, लेकिन ऐसे जो आज के वैज्ञानिक जो ठीक नहीं है, पीएचडी करने के उपरांत भी, शोध प्रबंध लिखने के उपरांत भी, बीएड एमएड और कौन बहुत सारी परीक्षाएं हैं उनमें उत्तीर्ण हो गए, अनुसंधान भी किए और आवेदन देते हैं, हमारे लिए 7-8 हज़ार मिल जाए, हम सब कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, झाड़ू भी लगा दो तो हम घर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नौकरी मिलना चाहिए और वो भी स्थाई मिलना चाहिए। बस हमारी स्थाई नौकरी है, करो या ना करो काम, तारीख के अनुसार पगार मिले पक्का है, पगार बोलते हैं ना। हाँ, ये हो रहा है, इसीलिए हमारा कहना है बच्चों से होनहार हो, और होनहार का अर्थ क्या होता है? होनहार का अर्थ होता हो करके ही रहना। क्या हो करके रहना?
जो आप संकल्प लोगे अवश्य हो सकते हो, ये क्षमता आपके पास विद्यमान है। इसलिए अनेक राष्ट्र जिस दिन उनको स्वतंत्रता मिली उसी दिन से अपनी भाषा को प्रारंभ कर दिया। एक व्यक्ति ने लिखा, कहा उस देश को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके ऊपर किसी की भी सत्ता चलेगी नहीं, शासन उसकी नहीं होगी और वह देश सुरक्षित रहेगा जब तक उसकी भाषा सुरक्षित है। इसलिए भारत सुरक्षित नहीं है। आप बोलते हैं एक वाक्य में तीन चार इंग्लिश शब्द आ जाते हैं, यही हिंदी को मिटाने का उपाय है। आपके द्वारा ही यह स्वयं की भाषा मिटी जा रही है। मिलाओ, आप उसमें ऐसी मिलावट कर रहे हैं वह न घी है और न नवनीत है, और फिर भी कहते हैं ये बटर बहुत बेटर है। अरे ये क्या है, जहां पर जिस देश में घी ही नहीं है, घृत नहीं है, जो दूध का सार माना जाता है वही नहीं है। नाक में भी डाल दो नवनीत की डली तो भी गंध नहीं आती घी की। क्यों नहीं आती? ये विदेशी है। सब वहां पर यही चलता है, घी नहीं चलता, और यहां पर घी चाहते हैं क्योंकि सार है, तत्व है, यहां उसकी जान है। तो आप सब समाप्त हो गया, इसलिए जीवन प्रारंभ हुआ था अज्ञान में और जीवन समाप्त भी होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी कहते हैं हमारे पोते वगैरह बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आपकी भाषा उनको नहीं आती, उनकी भाषा अब कौन से, ये नाते हमारा ही है, ये कैसे कहोगे आप बताओ। अब ये दादाजी ये हमारे हैं, इसलिए आपको बहुत सारी बातें हमने कह दी। दो पंक्तियां जो पुनः है उस विद्यालय की थी आपके सामने रखता हूँ, लिख करके रख लो, काम में आए तो ले लेना, नहीं तो हमें वापस दे देना, मुखाग्र कर लो। उस पथ की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। वो नाविक वही नामी नाविक माना जाता है, भरे हुए नाव है, बहुत सारे लोग हैं, तूफान आ रहा है, आने दो, तूफान क्या सुनामी भी आ जाए तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। आप लोग धैर्य रख करके बैठ जाओ, तब तक के लिए नमोकार मंत्र पढ़ लो तो और अच्छा है। मंत्र यंत्र से कई गुना काम कर जाता है, लेकिन यंत्र पर बैठ करके आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते, आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा अथवा और किसी पर, तब कहीं जाकर के मंत्र शुद्ध होता है। इसलिए कोई भी यंत्र को चलाने वाला मंत्र को सिद्ध कर ही नहीं सकता। भारत भी ऐसा काम करने लगा, वह यंत्र ही उसके लिए अच्छा लगता है, मंत्र अच्छा नहीं लगता, उसे पैदल आना जाना अच्छा नहीं लगता है, किंतु वह क्या चाहता है हाँ, गाड़ी से, गाड़ी का अर्थ होता है रुक जाना, नहीं समझे, चलती का नाम गाड़ी ये भारत में है, चल रही है और गाड़ी कहते हैं।
इसलिए सब में तो बाय लगता है सब वाहनों के साथ, और जब हम पैदल चलते हैं ऑन फुट यानी उसके लिए ऑन लगता है, उसका गौरव तो याद रखो। जब तक आप अपने पैरों से चलेंगे तब तक मालूम पड़ेगा कि अभी हमारी उम्र है, थोड़े बहुत कम में से हो सकती है, क्यों चलना इसको क्या बोलते हैं, घोड़े कहलाते हैं ये घोड़े दक्षिण में, हाँ ये जब हाँ गुड़गे हाँ, इसको घोड़ा ही बोला जाता है। ये जिसके घुटने ठीक रहते हैं वह खूब, और वह भाग भी सकता है। और आप लोग विदेश को मात्र भागो नहीं, यहीं पर भागते रहो, अवश्य एक दिन आपको मंत्र मिलेगा और उस मंत्र के माध्यम से आप सभी तंत्रों को विद्या दे सकोगे, सभी यंत्रों को विद्या दे सकेंगे। यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जाओ इस मंत्र का आह्वान होता रहेगा, और हजारों किलोमीटर दूर भी हो मंत्र यहाँ पर उच्चरित कर लो, वहाँ पर जहर नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ नहीं सकता। इस पर विश्वास विदेशियों को होता है नहीं होता आप ही देख लो, लेकिन यहाँ का बच्चा आज का जन्मा हुआ भी उस मंत्र को ही से जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब कल की बातें हो गई, क्या हो गई, कल की बातें हो गई, आज की नहीं। या तो कल की बातें और होंगी, उसमें भी कल कल ही है, कोई भी वहाँ पर संगीत नहीं है। नदी कल कल बोलती है, उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें मंत्र मुग्ध करने की कला विद्यमान है, किंतु आपके यंत्र में क्या होगा, यंत्र यदि काम नहीं करता तो धक्का लगाना पड़ता है। धक्का समझते हो आप, हाँ पहले की गाड़ियाँ जो होती थी उसके लिए पहले जो ग्राहक बैठते हैं ना भीतर, उनको भैया धक्का लगाओ, थोड़ा धक्का क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इसका पेट्रोल गर्म नहीं हुई, ठंडा हो गया, इसलिए उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं, जब चाहो वह चालू हो सकता है। इसलिए भारत के बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक बात इन्होंने कही थी कि सोने की चिड़िया, और भारत आज क्या हो गया, चिड़िया के पास पंख होते हैं तो उसको चिड़िया बोलते हैं, पंख है किंतु वह उड़ना भूल गया, उड़ना भूली, सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा, कैसे उड़ोगे बताओ, भूल गए आप। यह स्वतंत्रता भूलने का विल नहीं होती, किंतु आपको कब क्या हो रहा है ये तक पता नहीं है, अब तो आपको सुनने की आदत पड़ गई है। महाराज आप सुनाते जाओ, सुबह भी सुनाते जाओ और शाम को भी सुनाते जाओ, और महाराजों से भी हम कह देते हैं वो भी सुनाते चले जाए, ताकि चातुर्मास स्मारिका निकालने के योग्य बन जाएगा। नहीं समझे, काम करो या नहीं करो, यहाँ पर है ना कह देंगे तो हाँ ना, ऐसे कहते ना हाँ ना कहो तो आपको आता होगा, हाँ आता तो होगा,
आता है ना, तो आता भी है ना भी किस तरह बुढ़े हुए आप है? हाँ, इसलिए नियमित काम होना चाहिए। समय आपका काफी हो गया, इतना तो नहीं लेना चाहिए था। आप देने के मूड में थे क्या? नहीं नहीं, आपने समय दिया तभी तो हम बोल गए पूरा करा पूरा करा। मुझे भी पूरा करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं, कहने को है, इसलिए पहले से हम बंद कर रहे हैं। ये पंक्तियों को याद करना। अब सात व्यक्तियों में एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने लिख दिया है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, और गांधी जी इंग्लिश जानते हुए भी कहते थे मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ और ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ये गांधी जी की विशेषता थी। और आप लोगों को आता तो कुछ है ही नहीं, और इंग्लिश में एक दो शब्द बोल करके और हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी, दोनों ही चौपट हो जाते हैं। चौपट समझते हो क्या होता? चौपट का अर्थ चारों तरफ से पथ होता है, जो एक खेल होता है उसमें खेले जाते हैं, इसलिए वह खेल बहुत ही कठिन होता है, उसमें बुद्धि लगती है। शतरंज भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको, शतरंज यहाँ पर कहा जाता है, किंतु दक्षिण में इसको बुद्धि बल कहा है। खेल को भी बुद्धि बल कहा है, जिसकी बुद्धि तेज होती है वही उस बुद्धि बल को खेल सकता है। आप लोगों के पास बुद्धि है, भगवान से चाहता हूँ आपकी बुद्धि अवश्य गतानुगतिता से दूर रहे, और अपना जो कुछ भी है उसको सीखने का प्रयास पुरुषार्थ करे। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रतन देवी पांड्या, श्री राजेंद्र पूर्व विधायक, श्रीमती सुनीता पांड्या, श्री नरेश पांड्या, श्रीमती नीलम पांड्या, निखिल रिचा एवं अरिहंत पांड्या, रोहित साक्षी और अरहम पांड्या निवासी गोंदिया महाराष्ट्र, श्रीमती सुशीला देवी, श्री बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद, सौभाग्यवती श्रीमती नेहा, श्री कपिल बरजात्या मुंबई, सौभाग्यवती श्रीमती डॉली, श्री राहुल कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सौभाग्यवती श्रीमती पूर्वा, श्री सिद्धार्थ पारक नांदगांव नासिक, सौभाग्यवती श्रीमती डॉली, श्रीमती राहुल कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सौभाग्यवती श्रीमती श्री उमेद मलजी, श्रीमती हेमलता जैन कोलकाता मुंबई, पुत्र पुत्र वधु श्री संजीव कुमार जैन पहाड़िया, श्रीमती पिंकी जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती स्नेहा जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्र कुंवर प्रिंस, स्वर्गीय पिता श्री हनुमान प्रसाद जी सरावगी एवं स्वर्गीय माता श्री पाना देवी सरावगी चुरू राजस्थान की स्मृति में राधे श्याम सरावगी एवं सुमित्रा सरावगी अहमदाबाद, श्री नंद किशोर, सुशीला, सिद्धार्थ, प्रियंका, वंशिका एवं संवेग सरावगी सूरत, श्री संजय, प्रीति, शशांक एवं सिमरन सरावगी, श्री अजय, रमा, अमन एवं आकाश सरावगी अहमदाबाद, श्री विनय, मोना एवं कुणाल सरावगी मुंबई, श्री सुरेश, सुषमा, सौमिल, सलोनी, आदित्य एवं ऋतु बजाज कोलकाता।